नमस्कार, मैं माधव प्रकाश, एक लॉ स्टूडेंट और आप सभी का दोस्त। आज आपको बताऊंगा कि क्या पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि आपका फ़ोन जब्त कर सके। मेरे पास लॉ इंटर्नशिप के दौरान एक केस आया जिसमें मैं विक्टिम ऑफ क्राइम से बात कर रहा था, जो कि एक लड़की है। उस लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर था। अफेयर के दौरान लड़के ने अपने पिता की बीमारी का बहाना बना के उस लड़की से 3.5 लाख रुपये ठग लिए और उसे झूठी शादी का प्रॉमिस भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था लड़की के साथ। उसके बाद ये पता चलने के बाद लड़के ने लड़की को अफेयर की फ़ोटोज़ भेज भेज के उस लड़की को ब्लैकमेल भी किया और यही नहीं जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कराई, FIR करवाई और FIR करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस लड़की को कहता है कि हमें आपका फ़ोन चाहिए, उसे जब्त करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए और जब केस ख़त्म हो जाएगा तब आप कोर्ट से लेना। केस कब ख़त्म होगा भगवान जाने। तो अब लड़की यहाँ बहुत परेशान है, जो कंप्लेन है बहुत परेशान है कि पहले ही 3.5 लाख रुपये डूब गए, अब क्या 40,000 का फ़ोन भी जाएगा। लेकिन आयोग की दलील है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस चाहिए, एविडेंस आपके फ़ोन में है, फ़ोन जाएगा फॉरेंसिक्स में, उसके लिए हमें आपको जब्त करना पड़ेगा। तो क्या आयोग की दलील सही है, क्या ज़रूरत है फ़ोन सीज करने की, आज यही जानेंगे इस वीडियो में। और लड़की मुझे लिखती है दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज हैरेसिंग मी। तो ये कितनी पिंचिंग लाइन्स है अपने आप में। तो इसलिए हमें उसे एक लीगल वे आउट देना है जिससे वो अपना फ़ोन सीज होने से बचा सके और आईओ का मुंह बंद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लीगल वे आउट समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा किस प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही कह रहा है कि मुझे आपका फ़ोन लेने का अधिकार है। वो सेक्शन है सेक्शन 91 ऑफ CRPC, जो कि दो चीज़ों पर करता है कंसंट्रेट, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक पुलिस ऑफिसर पे। मैं इस वीडियो में पुलिस ऑफिसर पे कंसंट्रेट करूँगा। वो ये कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई भी चीज़, एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग रेलेवेंट है, नेसेसरी है या फिर डिज़ायरेबल है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए, तो फिर वो उस चीज़ को अपने सामने मंगवा सकता है। जैसे कि हमारे केस में हमारा फ़ोन मंगवा रहा था वो। एक बार सुनने में आपको लगा कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी जगह पे सही था, लेकिन आपको बता दूँ कानून में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। इसलिए मैंने इसके बाद बहुत स्टडी किया हूँ, पता चला इसके अंदर 3 ऐसे क्लॉजेज हैं जिसकी मदद से हम आयोग की बोलती बंद कर सकते हैं। पहला क्लॉज, जो ये क्लॉज है इसके अंदर नेसेसरी और डिज़ायरेबल ही अपने आप में क्वेश्चनेबल है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं वाई इज़ इट नेसेसरी और डिज़ायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है। जजमेंट का नाम है चंदीग्राम वर्सेस स्टेट, 2012 का केस है। इसमें कोर्ट कहती है जो वो सामान है जो वो मंगवा रहा है, जैसे हमारे कहते हैं मोबाइल फ़ोन, वो नेसेसरी होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, जो कि हमारे केस में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसको फ़ोन में क्या देखना है, ईमेल्स देखनी है, उसको फोटोज़ देखनी है, व्हाट्सएप मैसेज देखना है, तो फिर वो रिस्पेक्टिव सर्वर से वो मालूम कर सकता है। उसको राइट नहीं है मेरा प्राइवेसी इन्फ्रिंज करने का, उसको ईमेल देखनी है गूगल से मालूम करे, व्हाट्सएप देखना है उससे सर्विस प्रोवाइडर से मालूम करे, SMS देखना है तो वोडाफोन से मालूम करे। तो इस वजह से वो हमारा फ़ोन यहाँ पे जो उसके लिए नेसेसरी नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट कहती है कि एज अ मेयर ऑफ रूटीन नहीं मांगा जा सकता। जैसे हमारे केस में आयोग कह रहा था कि हर केस में ऐसा ही होता है, हम तो फ़ोन लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो नहीं ले सकते आप, रूटीन मैटर नहीं है, आपको बताना पड़ेगा क्यों चाहिए आपको, कि क्या इसकी नेसेसिटी है केस में। और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी एक केस में रेफर हुई है, यंग इंडिया वर्सेस सुब्रमण्य स्वामी, 2016 केस है ये दिल्ली हाई कोर्ट का, इसके अंदर भी रेफर हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है अशोक चावला वर्सेस रामचंद्र गरवान, 2011 का केस है ये और दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसके अंदर कोर्ट पहले तो वही दोहराती है, द नेसेसिटी एंड रेलेवेंसी ऑफ दैट थिंग मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इग्नोर नहीं कर सकते उसको। और ये भी कहती है कि कोई ऑब्लिक मोटिव नहीं होना चाहिए पीछे उस सामान को मंगवाने का, कि मैं प्रोसीडिंग्स को लंबा खींचूं, इन्वेस्टिगेशन को लंबा खींचूं। असलियत में ये जो केस था ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, इसके अंदर 2 महीने का समय होता है चार्जशीट फाइल करने का कोर्ट में। अब वो फाइल ना करनी पड़े इसलिए आपका फ़ोन जब्त करेंगे और फॉरेंसिक्स में भेजेंगे, रिपोर्ट आएगी सालों बाद, कब आएगी भगवान जाने, इसलिए उसको लंबा करने के लिए ऑब्लिक मोटिव था आयु के पीछे। तो इस ऑब्लिक मोटिव के चलते वो हमारा फ़ोन सीज नहीं कर सकता। ये भी रेफर हुई है जजमेंट नीलम जैन वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, 2005 का केस है राजस्थान हाई कोर्ट में, उसमें रेफर हुई है। अब क्योंकि कोर्ट इतना जोर दे रही है कि ये जो है रेलेवेंट होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए केस के लिए, जो कि हमारे केस में नहीं था, इसलिए आयु हमारा फ़ोन नहीं ले सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज इसके अंदर है वो है रिटर्न ऑर्डर।
हमारे केस में आईओ कहता है कि हमें आपका फोन चाहिए, वो नहीं कह सकता ही इज नॉट द बॉस ऑफ लॉ। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता, उसको एक रिटर्न ऑर्डर देना पड़ेगा, मुंह जवानी नहीं रिटर्न में देगा कि मुझे आपका फोन चाहिए, इस पर्पज से चाहिए, उसकी रेलेवेंसी ये है, नेसेसिटी ये है, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। लेकिन हमारे केस में ऐसा वो नहीं कर पाता क्योंकि रेलेवेंस था नहीं, नेसेसिटी थी नहीं, मैंने बता दिया पहले आपको फर्स्ट क्लॉज में, तो इसलिए वो रिटर्न ऑर्डर भी नहीं दे सकता। लेकिन जैसे कि हमारे केस में था, अगर आईओ अड़ जाता है कि मेरे को आपका फ़ोन चाहिए ही चाहिए और ऑर्डर देता नहीं है, ऑर्डर में लिखता नहीं क्या रेलेवेंस है, तो फॉर द पर्पस ऑफ मिसयूज ऑफ लॉ आप उसके लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ अ स्टेट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी आप उसकी शिकायत लगा सकते हैं। हमने भी लगाई थी, एक्शन भी हुआ उस आईओ के खिलाफ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि जब आप सेक्शन 91 में पढ़ेंगे ध्यान से, तो उसमें लिखा है समन्स टू प्रोड्यूस। वो ये बोल सकता है अपना फोन में सामने प्रोड्यूस करो, फोन मंगवाएगा और हम लेके जाएंगे, वो हमारे सामने ही हमारा फ़ोन देखेगा और जो नेसेसरी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए वही देखेगा और वापस करेगा। ये नहीं कि सीज करके बैठ जाएगा, जब्त नहीं कर सकता वो, उसको जब्त करने की पावर है ही नहीं सेक्शन 91 में। वो किसके अंदर है पावर? 102 में है सीआरपीसी के। और वो क्या जब्त करेगा? वो सामान जब्त करेगा जो कि चोरी का हो, सस्पेक्टेड और एलिजेड टू हैव बीन स्टोलन, वो सामान जब्त करेगा, या फिर कोई सामान ऐसे सर्कमस्टेंस में पाया गया हो कि लगे कि चोरी का है। लेकिन हमारे केस में से कहाँ था? कंप्लेनेंट था। हाँ, अगर ये कोई क्रिमिनल होता और फ़ोन पे शक होता कि चोरी का है तब वो जब्त कर सकता था, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। तो इन तीन चीज़ों की, इन तीन ग्राउंड्स की वजह से वो आईओ हमारा फ़ोन किसी भी कीमत पे जब्त नहीं कर सकता, और मजे की बात कर भी नहीं पाया। उस लड़की का फ़ोन भी बच गया और आईओ की बोलती भी बंद हो गई, ताला लग गया उसके मुंह पे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने लीगल राइट समझना, और मैंने आपके सामने ये अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस जब आप जाएंगे कंप्लेंट लिखवाने के लिए, आइए आपको परेशान करेंगे कि हमें आपका ये सामान चाहिए, कभी मोबाइल चाहिए, कभी कुछ चाहिए। मेरे पास एक केस और आया इंटर्नशिप के दौरान, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट केस है वो। उसमें कंप्लेनेंट है, वो एक मकान मालिक है और उसी के घर के किसी ने जाली कागज़ बनवा लिए। अब वो गया पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने के लिए, पुलिस कहती कि अपने घर के ओरिजिनल कागज़ हमारे सामने ले आओ, प्रोड्यूस करो। सीज करने को नहीं कहती, प्रोड्यूस करने को बोलती है। अब हम उस पर काम कर रहे हैं कि प्रोड्यूस भी ना करना पड़े, बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, फालतू में मंगवा रहा है, रजिस्ट्री से मालूम नहीं करना चाहता। तो अभी उस पर काम चल रहा है जब, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस केस में भी हम आईओ की बोलती बंद कर देंगे, और जब उसमें हम कामयाब हो जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लॉ से रिलेटेड, तो फिर आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे मेरा हौसला बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे तो ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।